अबे नालायक हो, जब कहीं कोई समस्या है ही नहीं, सभी काम इतने सुचारू रूप से हो रहे हैं, पुलिस इतनी मुस्तैद है, बीएमसी ने सफाई अभियान शुरू कर दिया है, यहाँ के डॉक्टर तो पहले से ही इतने काबिल है, तो फिर क्यों बेकार में पूरे देश का भ्रमण करा रहे हो? चलो उठा अपना मजमा, आज के लिए इतना काफी है। हाँ तो साहिबान, हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो हमें फोन कीजिए 9833777774। ईमेल कीजिए jabari@xachor.com and for more details please contact us at www.shikayat.com। तो चले चले। अरे नाच मेरी बंद कीजिए, बंद कीजिए झूठा प्रोपेगेंडा, ये प्रसार, ये भाषणबाजी। कहते हैं देश में कहीं कोई समस्या नहीं है, बीएमसी बड़ी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, सड़कों पर कहीं कोई गड्ढे नहीं है, पानी सबको बराबर टाइम पर मिल रहा है। अरे राम राज्य आ गया है क्या? इतने सारे झूठ बोलकर आप सच्चाई को छिपाना चाहते हैं? गवर्नमेंट के जिस डिपार्टमेंट में पैदा होने से लेकर मरने तक हर काम के लिए पैसा खाया जाता हो, उसके बारे में झूठा प्रचार करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे घर के पास कई महीनों से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वक्त बेवक्त ट्रकों का आना जाना, सीमेंट और धूल मिट्टी ने पूरे मोहल्ले की जिंदगी हराम कर दी है, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं, मुझसे नहीं समझ। तो मैंने इसकी कई बार बीएमसी में शिकायत की, इसके कानों पर चूं तक नहीं रही। जब बिल्डर को इसका पता चला तो उसके आदमी ने मुझे बहुत मारा और कहा कि सारा कानून बाजी करता है, मोहल्ले का लीडर बनना चाहता है। मोहल्ले के लोग खड़े खड़े तमाचा देख रहे, लेकिन कोई आगे नहीं आए, उन्होंने कुछ मारते मेरा सिर से खून निकलने लगा। पिछले 3 महीने से मैं घर पर बैठा हूँ, मेरी नौकरी छूट गई, लेकिन किसी को उससे क्या है? आपने इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? पुलिस उनकी, आदमी उनके, रिपोर्ट कौन लिखता भाई? बात आई गई हो गई, इलीगल कंस्ट्रक्शन अब भी चल रहा है, कोई रोक सकता है उसे? ये प्रजातंत्र नहीं है भाई, ये गुंडा तंत्र है, गुंडा तंत्र। इसका मतलब हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो क्या करें? आप मेरी जगह होते तो क्या करते, बताइए आप क्या करते? एक आदमी को, आपके अपने पड़ोसी को कुछ गुंडे खुलेआम मार रहे हैं और आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं? क्या हमारे अंदर का इंसान पूरी तरह से मर चुका है? कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा तो ये भी ऐसा ही करेंगे, तब कैसा लगेगा आपको? आवाम में बड़ी ताकत होती है, उसे पहचानिए, खड़े होकर तमाशा मत देखिए, आवाज कीजिए, आवाज की थी मैंने, आवाज आवाज की थी मैंने, इतना चिल्लाई कि मेरा गला बैठ गया, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी, किसी को मेरा दुख महसूस नहीं हुआ। 40 दिन हो गए मेरी डिलीवरी को, लेकिन मैंने अपना बच्चा नहीं देखा, मेरा पहला बच्चा। बहन, अपने आप को तकलीफ मत दीजिए, मेरे दूध मोहे बच्चे को हॉस्पिटल से कोई उठा ले गया, मैं और मेरा पति रो रो कर थक गए, लेकिन हॉस्पिटल वालों के पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था। मेरा बच्चा, पता भी नहीं वो जिंदा है या, किस पर विश्वास करें हम, किसको बताएं अपना दुख? और आप कहते हैं हॉस्पिटल सारे पर सुचारू रूप से चल रहे हैं, किस पर विश्वास करें? आपके हिसाब से एक आदमी से हम लड़ सकते हैं, लेकिन जब पूरी हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट से गर्त में जा रही हो तो क्या कर लेंगे हम? हॉस्पिटल में किस उम्मीद से आते हैं हम और क्या मिलता है हमें? अरे ये डॉक्टर है या कसाई? कसाई कम से कम बार बार तो तकलीफ नहीं देता, ये तो ना जीने देता है ना मरने। है आपके पास हमारी समस्या का कोई समाधान? कर सकते हैं आप मेरे लिए कुछ? मेरा बच्चा मुझे वापस दिला सकते हैं? मेरा बच्चा मुझे वापस दिला सकते हैं? ये लोग कोई मेरे बात का जवाब क्यों नहीं देता? कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? कब तक अन्याय होते देखते रहेंगे? भ्रष्टाचार हमें दीमक की तरह खाए जा रहा है, फिर भी हमें कुछ नहीं होता। अरे ये जीवन एक बार मिलता है, उसे सार्थक कर लो। जीवन सार्थक कर लो, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, आवाम में बड़ी ताकत होती है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। चले दो बाबा। इन खोखले वादों से जीवन नहीं चलता सूत्रधार जी, ये नाटक नहीं है,
जीवन की सच्चाई कुछ और है, और सच तो यह है कि हम इतने स्वार्थी, खुदगर्ज और मक्कार हो गए हैं कि हमें किसी का दर्द देखकर कुछ होता ही नहीं। अन्याय हमारे सामने अन्याय करता है और हम चुपचाप पत्थर के बुत बने खड़े देखते रहते हैं। दरअसल हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। इनका दूध पीता बच्चा अस्पताल से चोरी हो गया, जिसे इन्होंने देखा तक नहीं। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है? लेकिन इनका यह दर्द सुनकर भी मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। औरत को सरेआम नंगा किया जाता है, लेकिन हम शर्म के कारण अपनी आंखें बंद नहीं करते, बल्कि उसके मांसल शरीर को देखने के लिए और आंखें गड़ा देते हैं। मेरी बेटी के साथ उसके कॉलेज के प्रोफेसर ने छेड़खानी की, बदतमीजी की। कॉलेज के दूसरे बच्चों को जब इस बात का पता चला तो उसमें से किसी ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद इसी ने कोई पहल की होगी। अब आपने मुझसे क्या कहा था? आप इस घटना का जिक्र नहीं करेंगे? मुझे बोलने दो बेटे। मेरी बेटी ने जब इस घटना का जिक्र मुझसे किया तो मुझे जरा भी तकलीफ नहीं थी, ना ही मैंने कहीं कोई शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस में क्या रिपोर्ट लिखवाता हूं मैं, बताइए आप? पुलिस को हर बात का सबूत चाहिए, और सबूत कहां से लाती है बेचारी? मेरी बेटी के साथ छेड़खानी हुई है, बदतमीजी हुई है, कॉलेज का बच्चा बच्चा जानता है, क्या इतना सबूत काफी नहीं है? बात को यह कहकर दबा दिया गया कि इससे कॉलेज की बदनामी होगी। यह है हमारे यहां की शिक्षण संस्थाएं। जिस प्रोफेसर के साथ पास हम प्राइवेट ट्यूशन के लिए इसे भेजते थे, उसी ने शर्मनाक हरकत की है। पापा बार बार क्यों इस घटना का जिक्र कर रहे हैं? चलिए घर चलिए। नहीं, लोगों को पता तो चलने दो कि कितनी तरक्की की है हमने। प्लीज चुप हो जाइए। मेरी बेटी पिछले 2 महीने से शर्म के कारण कॉलेज नहीं जा रही है, समझाइए इसे आप। मेरी बात आप मेरी तरफ देखिए। अपनी फरियाद लेकर हम किसके पास जाएं? कितनी अंधेरों भरी जिंदगी हो गई है हमारी, कब खुली हवा में सांस ले सकेंगे हम? कब हमें न्याय मिलेगा? कब? जब हम दूसरे के दुख को अपना समझेंगे, जब हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अन्याय सहना सबसे बड़ा अन्याय है, इसलिए बोलिए, जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलिए। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, आदमी ही आदमी को खाए जा रहा है। आप अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे? अपनी संवेदनाओं को मरने मत दीजिए। अभी इसी वक्त शपथ लीजिए कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, वरना आज इनका बच्चा चोरी हुआ है, कल आपका भी हो सकता है। इनकी बेटी के साथ जो हुआ है वो आपकी बहन या बेटी के साथ भी हो सकता है। आपके 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 साथ भी। अब हमें चुप नहीं रहना, हमें बोलना है, हमें हल्ला बोलना है। On this occasion, I would like to extend my hearty congratulations to Mr. Om Katare and his entire troupe. 30 years in the business is indeed a long time, and that just goes to show how fantastic the work he's been doing in theatre all these years. Thank you. I congratulate Om Kataria for his successful journey, completing 30 years of Yatra of Yatri, and he has given a good platform to all the young talent, and he has brought new artists. And I congratulate him for many more successes in his life.
Hi, I'm from Bangalore. It's my first play. I'm looking forward to see it. And I'm sure it's going to be a lot of fun. This is my second time I'm coming for Chumantar. This is really a hilarious play, which I don't really want to miss. And I was waiting for this to come. So I hope I will enjoy today as much as I did last time. Thank you. I'm Bhagyashri Verma. I have come for the first time to Prithvi Theatre. And we are planning to view Chumantar, the drama that we are going to see today. यात्री के सभी नाटक मुझे पसंद हैं, बहुत से तो मैंने देखे हुए हैं, एक छूमंतर मिस हो गया था तो वो देखने आज आया हूँ। I'm Prasad. I'm first time to Prithvi Theatres, so to watch a drama, and this is the guy who inspired me to do that. So you should take my reaction after I come back out of the show. Our shooting खेले, so please welcome our artists. Thank you. क्या कर रहा है यार, फ्रेम लगाना। सर फ्रेम तो लग जाएगा, एपिसोड तो आने दो। गौरव यार जरा मेरे लिए एक कप चाय तो लेकर आना। हाँ अभी लेके आया। अच्छा सुन यार, यार वो मेरा चेक तो निकलवा दे। करता हूँ ना, टेंशन नहीं। अरे क्या करता हूँ यार, पिछले 6 महीने से मेरा पेमेंट नहीं हुआ है। धीरे, एक्टर्स और डायरेक्टर का तो समझे। धीरे बोलना यार, यार उनका तो समझे कम से कम। हम टेक्नीशियंस की पेमेंट तो टाइम पर करो। टेंशन नहीं, मैं करता हूं। कुछ कर पक्का पक्का। प्रोड्यूसर से बात कर, चैनल से बात कर। अच्छा सुनिए, तू साल भी राइट में चाय भिजवा मेरे लिए प्लीज। श्योर श्योर, एब्सोल्युटली। बेकार प्रोडक्शन हाउस है। यार अर्पित आया कि नहीं आया? नो सर। फिर से चेक कर। सर लैपटॉप के सामने ही बैठा हूं। नहीं रिफ्रेश मार। सर 4 बार मार चुका हूं। एक बार और मार। देखा आया नहीं सर?